लेकिन एक मुद्दा बहुत ही पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, ये तो कहने की बात है। राम को ला सकते हैं का? राम भगवान है, राम को मोदी जी लाएंगे? इनकी हिम्मत है राम को लाने की? ऐसा नहीं है। पर भाजपा प्रचार ऐसा ही कर रही है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस बार जो कोई मंदिर निर्माण किए, उसकी स्थापना इतनी जल्दी किए बिना निर्माण पूरा हुए, क्या था ये चुनावी स्टंट था? वो भी सफल नहीं हुआ। आप देखिए ना, किसी की जबान में मंदिर की चर्चा है नहीं। अरे भाई, हम भी श्री राम भगवान के प्रेमी हैं, हमारे आराध्य वो भी हैं। 70 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, 70 साल में अरहर की दाल 70 रुपए नहीं बिक पाई, 10 साल में 170 रुपए बेचवा रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं? ये विकास है? 400 नहीं, 40 पार नहीं हो पाएंगे। अगर ये ईमानदारी से चुनाव लड़ ले तो 40 पार हो जाए तो कहना छोड़ दूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी, भ्रष्टाचार ही के लिए लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार करना ही इनको। स्मृति ईरानी जी का क्या है, 5 वर्षों में जनता के बीच जाके जो कुछ किया है उसका परिणाम उनको मिलने वाला इसी चुनाव में जी। बुरी हार उनकी होने वाली और निश्चित है, देखिएगा। पर भाजपा 400 पार बोल रही है, ये कथन तो एकदम मिथ्या हो गया है। कल मोदी जी इसके लिए कल रोए भी हैं, वो अब रोएंगे ही, इंटरव्यू देते फिर रहे हैं। अभी 5वां चरण जीतने दीजिए, 5वें चरण के बाद देखिए क्या होता है। आप ये मान के चलिए 400 पार तो बहुत दूर है, ये 300 पार नहीं करने वाले, 250 पहुंचने बड़ी बात है। अच्छा, बहुमत में इस बार भाजपा सरकार नहीं आने वाली। पर विकास के दावे किए जा रहे हैं साहब, आप बताइए, आपके समक्ष है, आप भी भ्रमण किए होंगे अमेठी में, देखिए रानी जी ने क्या विकास कर रखा है यहाँ पे। में 1200 गया था, 1200 गया था, फिर 800 कर दिए। 800 क्यों कर दिया? चुनाव। अच्छा, फिर ही राशन बट रहा, चुनाव। 5 किलो राशन में दाल कितने में बिक रही, दाल बताइए, अरहर की दाल आप बताइए। 120 रुपए, 120 नहीं 162 तक बिकी है। 162, हाँ ठीक है। कांग्रेस की गवर्नमेंट में यही दाल 60 रुपए में बिक रही थी, फिर भी महंगी कह रहे थे लोग। 60 की तब महंगाई थी, आज 160 वाली महंगाई नहीं दिख रही। लेकिन हुआ नहीं है, रोजगार की समस्या है, रोजगार बिल्कुल एकदम बहुत भारी समस्या है, युवा बेरोजगार घूम रहा है। क्या मुद्दे होने चाहिए? कितनी भर्तियां हैं बताइए इस सरकार में, बीजेपी में कितनी भर्तियां हैं, हमको ये कोई जवाब दे दे। तो यूपी में पेपर लीक का मामला बड़ा हो रहा है। अरे पेपर लीक वही तो करवाते हैं कि हम जाके करवाते हैं, हमारी क्या औकात, हम जाके पेपर लीक करवा देंगे? कौन करवा? तो वही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वही लोग करवाते हैं, और कौन करवाते हैं जो सत्ता में बैठे वो? अरे बिल्कुल वही करवाते हैं भाई, क्यों अच्छे से पेपर नहीं मंगवा पाते? उनकी जिम्मेवारी क्या बनती है? उनकी तो जिम्मेवारी है कि पेपर सही से आए, कैसे बटना चाहिए, कैसे पेपर क्यों लीक होता, उनकी जिम्मेदारी नहीं है? 300 रजिस्टरों का प्रचार करने जाते हैं मोदी जी, 300 रजिस्टरों का, 300 लड़कियों की इज्जत लूटी जाती है और उसका प्रचार करने मोदी जाते हैं। कितना अच्छा हो सकता है प्रधानमंत्री देश का? ये देश का विकास करेगा क्या? विकास करेगा देश का? यहाँ से बिल्कुल सफाया होगा उनका, यहाँ से कम 3 लाख वोटों से वो लोग हारेंगे बीजेपी, यहाँ बीजेपी स्मृति ईरानी, क्योंकि यहाँ पे केवल उन्होंने बातें बहुत बड़ी बड़ी की हैं, काम कुछ किया नहीं उन्होंने फील्ड पे उतर कर, इस वजह कम से कम 3 लाख वोटों से हारेंगे। साथियों, आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा में हूँ और अमेठी लोकसभा देश की सबसे हॉट सीट मानी जाती है, जहाँ पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से स्मृति ईरानी जो कि वर्तमान में सांसद है और वो अभी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, और यहाँ पर केएल शर्मा जो है वो भी इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के प्रत्याशी है, और यहाँ पर आज इंडिया गठबंधन की सभा होने वाली है। हम जनता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर जो सभा हो रही है और यहाँ पर इस सभा को संबोधित करने के लिए कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी आने वाले हैं। जनता से बातचीत करते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है, नाम क्या है भाई साहब? करण। सभा में आए हैं जी, क्या लगता है इस बार आएगी? कौन आएगी? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी बिल्कुल, क्यों? यहाँ तो स्मृति ईरानी जी काम कर रही है, काम कर रहे हैं लेकिन काम सही हो नहीं रहा। क्या क्या काम कर, क्या काम नहीं हो रहा? यहाँ किसी को रोजगार दिए, कुछ दिए, क्या दिए बताओ? तो मोदी जी तो बोल रहे रोजगार दिए, नहीं फ्री में राशन का, क्या आदमी मरता रहे? बस भाई फ्री के राशन राशन चिल्लाते, फ्री के राशन से खुश नहीं है आप? क्या खुश है, रोजगार चाहिए ना किसानों को, 2000 रुपए तो दे रहे हैं, 2000 दे रहे हैं, जानवर कितना चल रहे हैं उसका भी तो योर लगाइए ना, कि जानवर चल रहे हैं, पूरा रात रात बैठे रहो खेत में ताकते रहो। तो गैस सिलेंडर भी तो फ्री करवा दिए, फ्री करवा दी, वो भी तो 1200 रुपए का हो गया, 1000 रुपए सिलेंडर भी तो जा रहा है, उसको भी जोड़िए। पेट्रोल डीजल का क्या है भाव? अरे 100 रुपए पहुंचा भाव, अच्छा तो चल रहा है, 100 रुपए पहुंचा, अब की बार 400 पहुंच जाएगा। तो 10 साल में कोई काम नहीं हुआ? काम तो बहुत हुआ है, लेकिन करे वो बहुत है, लेकिन हुआ कुछ नहीं, पब्लिक के बीच में किए बहुत है।
लेकिन हुआ नहीं है। रोजगार की समस्या है? रोजगार बिल्कुल एकदम बहुत भारी समस्या है, युवा बेरोजगार घूम रहा है। क्या मुद्दे होने चाहिए? कितनी भर्तियां हैं बताइए इस सरकार में, बीजेपी में कितनी भर्तियां हैं, हमको ये कोई जवाब दे दे। तो यूपी में पेपर लीक का मामला बड़ा हो रहा है। अरे पेपर लीक वही तो करवाते हैं कि हम जाके करवाते हैं, हमारी क्या औकात, हम जाके पेपर लीक करवा देंगे? कौन करवा? तो वही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वही लोग करवाते हैं, और कौन करवाते हैं जो सत्ता में बैठे वो? अरे बिल्कुल वही करवाते हैं भाई, क्यों अच्छे से पेपर नहीं मंगवा पाते? उनकी जिम्मेवारी क्या बनती है? उनकी तो जिम्मेवारी है कि पेपर सही से आए, कैसे बटना चाहिए, कैसे पेपर क्यों लीक होता, उनकी जिम्मेदारी नहीं है? ये पब्लिक की जिम्मेदारी है, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। तो रोजगार के बैठे अपना है? रोजगार के लिए मोदी जी ने जो है वो अग्निवीर योजना लाई है। हाँ अग्निवीर लाया है, ठीक लाए हैं, लेकिन जैसे पहले आर्मी में आदमी जाता था, चार साल बाद तो बाहर नहीं किया जाता था, अब क्यों कर दिया जा रहा है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो अग्निवीर अग्निवीर से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं खुश है भाई, क्यों खुश रहेंगे? जैसे हम अगर 20 साल सेवा करते थे, वो चार साल में हमको हटाए बाहर भेज देंगे, हम किस लायक बचेंगे आप बताइए ना? चार साल काम करने के बाद जैसे आपको भी चार साल काम कराया जाए, उसके बाद आपको हटा दीजिए, आप किस काम के लायक बचेंगे बताइए? आराम से नहीं यार। क्या 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 चुनाव परिणाम क्या होने वाले? अरे वो तो समझ में आ जाएगा ना, आपकी सब समझ में आ जाएगा, क्या परिणाम होना, क्या होना चाहिए, और अच्छे से पता भी उन लोगों को, इसीलिए हर जगह दौड़ा धूप खूब कर ले, लेकिन अब की सब समझ में, पब्लिक सब जाग चुकी है। पर इस बार तो बीजेपी 400 पार बोले। अरे 400 पार बोले ना, तो देखते रहो कितने 400 पार जाते हैं, चांद के पार पहुंचेंगे, क्यों परेशान हो? चांद के पार? हाँ चार तो नहीं, चांद के पार जाएंगे, लेकिन 150 में देखकर चले जाते हैं। कौन बोले है 400 पार? भाजपा वाले? हाँ 400 बार बोले हैं। तो कुर्सी वाले आते हैं गांव में, 400 बोलते हैं, 150 में देके चले जाते हैं। यही होगा आपकी? नहीं अमेठी में क्या होगा? अमेठी में 3 लाख से हारेंगी स्मृति ईरानी। क्यों क्यों? अरे काम नहीं, काम नहीं, क्या काम किया? 13 रुपए में बोली चीनी, 8 रुपए हम दे रही है, और क्या खाली जुमला बाजी की सरकार। रोजगार रोजगार के संदर्भ में क्या काम नहीं हुआ? रोजगार में होगा, कांग्रेस सरकार होगी तो होगा, कांग्रेस की सरकार होगी तो होगा, इंडिया गठबंधन की। 1 लाख रुपए देने का वादा किया है इंडिया गठबंधन वालों ने, रोजगार देने का बात किया है। रोजगार मिलेगा सबको, सबको मिलेगा, क्या लगता है भाई साहब? क्या लगता है? रोजगार देगी ये सरकार, बाकी भाजपा सरकार जो है एकदम। तो स्मृति ईरानी जी काम नहीं किया है? स्मृति ईरानी जी यहाँ दिखाई नहीं पड़ी है, काम की बात छोड़िए, 10 साल से तो सरकार में है वो, सरकार में है वो बात अलग है, क्या किया है ये बताइए, आप गिनाइए काम बताइए, आप तो पूरा देश घूमते हैं, क्या किया है ये बताइए। तो पेट्रोल डीजल क्या है महंगा? महंगाई के लिए तो पेट्रोल डीजल डलाना बंद कर दिया, हम लोग पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, और क्या। तो इस बार हाथ और कांग्रेस साइकिल के साथ में? हवा नहीं लगेगी, हवा बीजेपी की हवा खत्म हो जाएगी। 400 पार बोल रहे हैं? 400 पार? 4-5 जाए तो बहुत है, 4-5 सीटें आ जाए, 4 आ जाए तो बहुत है, 400 छोड़ो, मतलब बदलाव होगा देश में, बदलाव निश्चित है, निश्चित। किसकी सरकार बन रही है? गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार। अच्छा क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव? मुद्दे रोजगार होना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा। हाँ बेरोजगारी, ये अग्निवीर ये लोग चला दिए हैं, क्या मतलब है इसका? चार साल नौकरी देंगे उसके बाद भैंस चराएंगे हम लोग, कोई मतलब नहीं। पकौड़ा तलाने भी तो बोल रहे हैं, पकौड़ा तलाने बोल रहे मोदी साहब, बहुत लोग तल रहे हैं, चाय बनाने बोल रहे हैं, हाँ पूछ लीजिए, वो भी रोजगार के इसमें गिन रहे हैं। आप लोग यहाँ नहीं, कस्बे में जाके लोगों से पूछिए, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, आप जनता से पूछिए वो बताएगी असली असलियत बताएगी इनकी। नहीं हम घूम ही रहे हैं, हम वही लोगों को जो चित्र है देश का असली चित्र दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं, असलियत इनकी पता चल जाएगी। इतना जनता त्रस्त है, गैस सिलेंडर जब 450 में था महंगा लग रहा था इनको, हाथ में उठाए घूम रही थी, अब यही स्मृति ईरानी जी रोड पे महंगाई डाइन बता रही थी, अब कितने में सिलेंडर आप बताओ कितने में? 1200 गया था। हाँ 1200 गया था, फिर 800 कर दिए। 800 क्यों कर दिया? चुनाव है। अच्छा फ्री का राशन बट रहा, चुनाव है। हाँ। 5 किलो राशन में दाल कितने में बिक रही? दाल बताइए, अरहर की दाल आप बताइए। 120 रुपए। 120 में? 120 नहीं, 162 तक बिकी है। 162 तक? हाँ ठीक है। कांग्रेस की गवर्नमेंट में यही दाल 60 रुपए में बिक रही थी, फिर भी महंगी कह रहे थे लोग। 60 की तब महंगाई थी, आज 160 वाली महंगाई नहीं दिख रही। पेट्रोल बता तो रहे, पेट्रोल पेट्रोल डलाना बंद कर दिए हम लोग, पैदल चल रहे हैं इस महंगाई में, पैसा खत्म है, रोजगार नहीं होगा तो पैसा बचत नहीं हो पा रही है, बचत नहीं हो पा रही है, महंगाई बढ़ेगी तो बचत कहाँ से आएगी आप बताइए।
ये तो उतना कमाई का वो बढ़ाएं, स्रोत बढ़ाएं, स्रोत कोई है नहीं। बताइए आप क्या लगता है, महंगाई है? जी महंगाई है। कितनी महंगाई है? अरे बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, महंगाई बहुत है। क्या लगता है परिणाम क्या होंगे, सरकार बदलेगी? हाँ, गठबंधन की सरकार, गठबंधन की, अखिलेश और कांग्रेस। जी जी जी, अखिलेश और कांग्रेस की सरकार बनेगी, परिवर्तन हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। पर ये तो 400 बार बोल रहे हैं ना, तो अपना बोल रहे हैं ना 400 के पार, 400 से हार बोल रहे हैं, पार नहीं बोल रहे। 400 से हार, हार, पार नहीं, पार नहीं, 400 हार, हार। पर ये अमेठी की जो सीट है जी, लोग नाराज थे कि कांग्रेस में राहुल गांधी ने यहाँ से लड़ना चाहिए। नहीं, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। शर्मा जी को जनाधार मिल रहा है? शर्मा जी को बिल्कुल एकदम मिल रहा है, सपा का भी मिल रहा है, कांग्रेस का तो है ही। अच्छा जी, और जो तो, बोल रहे हैं वो कांग्रेस में वोट देने वाले नहीं। तो स्मृति ईरानी जी तो बोल रही कि मेरे सामने कोई दावेदार कद्दावर नेता ही नहीं है, तो मेरी जीत तो तय है। नहीं, तो वो अपना को समझ रही है ना, मगर ऐसा नहीं है। अच्छा, आपकी परिवर्तन है? परिवर्तन है जी, आपकी परिवर्तन है, परिवर्तन हो सकता है, हो सकता है जी। और भी युवा है, क्या नाम है भाई? आनंद कुमार। क्या करते हैं आप? फर्नीचर का काम करते हैं। फर्नीचर का काम करते हैं जी। अच्छा, ये देश में महंगाई बेरोजगारी कुछ लग रही है? अरे बहुत है, बहुत है। कितनी महंगाई है? पहले 60 रुपये में तेल भराते थे, अब 100 में डलाते हैं। 100 में भराते हैं, और का क्या लगता है इस बार 400 पार होगी भाजपा? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, 400 पार नहीं होगी। अच्छे दिन आने वाले थे बोल रहे, बुरे दिन आ चुके हैं सब लोग। अच्छा, बुरे दिन आ रहे हैं, बुरे दिन आ। अच्छा, ये 15 लाख का वादा हुआ था, आए 15 लाख? नहीं आए, ना आएंगे, वो सिर्फ जीतने के लिए वादा कर रहे थे कि जीत जाएं। अच्छा, मगर अब की बार जीतेंगे ना, अब की बार नहीं जीतेंगे। जब अच्छे दिन बोल रहे थे कि आएंगे, मगर आया नहीं, तो बुरे दिन आ गए, तो अब कहाँ जीतेंगे? जनता थोड़ी पागल है कि हर बार वोट देगी। अच्छा, एक ही बार दो बार देखती ना, तीसरी बार नहीं देखती। काला धन लाएंगे बोले? काला धन तो सब अडानी अंबानी के पास है, अडानी अंबानी के पास है, उन्हीं के पास ले आए। अच्छा, उनसे कोई लिया जा सकता है? ये भ्रष्टाचारियों को भी अंदर करने वाले थे, क्या हुआ? वो भ्रष्टाचारियों केवल खिलाफ पार्टियों को अंदर करते हैं बस। अच्छा, भ्रष्टाचारियों को नहीं, खिलाफ पार्टियों को, उनके जो विरोध में है। हाँ, जो विरोध में उनको अंदर करते हैं। अच्छा, जो उनके साथ हो जाए ना, वो अपना है, जितना मर्जी अच्छा बुरा काम करे, मगर वो अपना है। क्या क्या होगा भाई साहब इस बार, क्या होगा इस बार, परिणाम क्या होंगे? परिणाम आप देख रहे हैं, भीड़ आपको दिख रही है, भीड़ तो है। हाँ, यही परिणाम है, यही परिणाम है, जनता ही जनार्दन है और जनता ही समय। पर स्मृति जी तो बोल रही है कि उनके सामने कोई बड़ा नेता नहीं है। वो दिल्ली से आए, इस बार फिर दिल्ली वापस चली जाएगी। अच्छा, दिल्ली? हाँ, यहाँ उनका कुछ नहीं, तो परदेशी है, बैग लेके आई थी 5 साल ली, पब्लिक को 13 रुपए किलो चीनी बोली, आज तक कहीं नहीं मिली, तब उनको जाना है, उनका टाइम पूरा हो गया। पर ये भाजपा 400 पार बोल रही है, अब वो 500 पार भी बोल सकते हैं। अच्छा, 600 बोल दे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो जुमलेबाज वाले की पार्टी ही है। अच्छा, जितना झूठ बोलना है बोले। पर कल खूब रोए हैं मोदी जी, अब इमोशनल ड्रामा तो हो गया ही। अच्छा, चुनाव है, जनता को वोट लेने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सब मत देखिए, आप भीड़ देखिए, राहुल जी के साथ है, प्रियंका जी के साथ है, इस बार कांग्रेस की बाहर है, गठबंधन की सरकार बन सकती है। गठबंधन जिंदाबाद है, आप देख लीजिए, सपा के लोग भी यहाँ पे हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, आम आदमी भी है, तो एक तरफा हवा। तो जनता तो बोल रही थी कि राहुल जी लड़ते तो परिणाम और भी कुछ होगा। राहुल जी तो लड़ रहे हैं। अच्छा, और क्या, राहुल जी लड़ रहे हैं बिल्कुल, और क्या, राहुल जी लड़ रहे हैं, केएल शर्मा जी हमारे घर के हैं। अच्छा, राहुल जी हम सब एक ही तो। शर्मा जी को जनाधार मिल रहा है? बुरी तरह से मिल रहा है, 40 साल से वहाँ पे लोगों की सेवा की है, हर जगह आना जाना। और ये स्मृति मैडम काम नहीं करे है? इनका काम तो हमें नहीं दिख रहा, अगर आपको दिख रहा हो कहीं तो बताइए। नहीं, हम तो मुंबई से है, हम तो जानना चाहते हैं कि स्मृति जी यहाँ पर सांसद रही है, वर्तमान में भाजपा से प्रत्याशी भी है, और दावा कर रही है कि इस बार फिर से वो यहाँ से सांसद बन के जाने वाली है जी। उनका दावा कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वो है, उनका बहुत पहले टीवी सीरियल भी आता था, साथ भी कभी बहुत। अच्छा, वो एक्टर है, कुछ भी बोल सकती है। अच्छा, नहीं रखते सर, इस बार यहाँ से अमेठी सा जो ये जो सीट है, ये बड़ी हॉट सीट है, पूरे देश की नजर रहती है इस सीट पर। शर्मा जी खड़े हैं यहाँ से, और भाजपा से स्मृति मैडम खड़ी है, जो कि वर्तमान में सांसद भी है, क्या परिणाम हो सकते हैं सर? अब ये भीड़ देख के आपको लग रहा होगा, हाँ भीड़ तो है, के एल शर्मा जी ही चुनाव जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत के निकलेंगे यहाँ से। स्मृति ईरानी जी का क्या है, 5 वर्षों में जनता के बीच जाके उन्होंने जो कुछ किया है, उसका परिणाम उनको मिलने वाला है इसी चुनाव में जी।
बुरी हार उनकी होने वाली और निश्चित है, देखिएगा। पर भाजपा 400 पार बोल रही है, ये कथन तो एकदम मिथ्या हो गया है। कल मोदी जी इसके लिए कल रोए भी है, वो अब रोएंगे ही, इंटरव्यू देते फिर रहे हैं। अभी पांचवा चरण जीतने दीजिए, पांचवें चरण के बाद देखिए क्या होता है। आप ये मान के चलिए 400 पार तो बहुत दूर है, ये 300 पार नहीं करने वाले, 250 पहुंचे बड़ी बात है। अच्छा, बहुमत में इस बार भाजपा सरकार नहीं आने वाली। पर विकास के दावे किए जा रहे हैं साहब, आप बताइए, आपके समक्ष है, आप भी भ्रमण किए होंगे अमेठी में, देखिए रानी जी ने क्या विकास कर रखा है यहाँ पे, सारे झूठे वादे। 13 किलो में चीनी देने वाली थी शायद, वो किसी को मिली है? ये वही रानी है जो गैस सिलेंडर लेके घूमी थी, इन्हीं की सरकार है, 1200 सिलेंडर लोग भराए हैं, आप देख लो आपके सामने, एक भी व्यापारी परेशान जी, जितने विद्यार्थी हैं सब बेरोजगार परेशान, किसान भाई परेशान, इनसे सुखी कौन है? पूरा देश परेशान हो रहा है इनसे, लूट लिए पूरे देश को। रोजगार के लिए तो वो अग्निवीर योजना लाए हैं, अग्निवीर के बारे में देख लीजिए आप, 6 महीने की ट्रेनिंग, 3.5 साल की जॉब, युवा क्या करेगा 4 साल में, रिटायर हो गया वो, एक बच्चे का चयन 21 वर्ष में करते हैं और 25 साल में रिटायर कर दे रहे हैं, ये कौन सा रोजगार दे रहे हो भाई आप, ये युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक है। तो परिणाम अलग हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है निश्चित। अच्छा, होने वाले देश में क्या माहौल होगा पूरे देश में? पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, राहुल जी और गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या उम्मीदें हो सकती है लोगों को, क्या लोग रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं? कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है जी, उसको आप देखिए जी, हम पढ़े हैं उसमें महिलाओं को पूरा सम्मान दिया गया है, बेरोजगार भाइयों को पूरा सम्मान दिया गया है, किसानों का पूरा सम्मान किया गया है, व्यापारी वर्ग को पूरा सम्मान दिया गया है। इतना बेहतरीन मैनिफेस्टो किसी के पास ना है ना आगे होगा, क्यों? विचार ही ऐसे नहीं है। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, आज उस देश को यहाँ तक लाने में कांग्रेस के नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। पर वो तो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में, अगर टेलीफोन क्या आरोप है कांग्रेस का, नेहरू जी पर आरोप लगा देते हैं। 70 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, 70 साल में अरहर की दाल 70 रुपए नहीं बिक पाई, ये 10 साल में 170 रुपए बेचवा रहे हैं, क्या विकास कर रहे हैं? ये विकास है? 400 नहीं, 40 पार नहीं हो पाएंगे अगर ये ईमानदारी से चुनाव लड़ ले, तो 40 पार हो जाए तो कहना छोड़ दूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी जी, भ्रष्टाचार ही के लिए लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार करना ही इनको, भ्रष्टाचार के लिए। किसी भी सरकारी दफ्तर में आप जाएंगे तो घूस का रेट क्या हो गया पता कीजिए अब आप, इसे कहते हैं भ्रष्टाचार। जमीनी हकीकत तो ये है, मंच पे खड़े होकर भाषण देना बड़ा अच्छा लगता है, टट के लाके देखिए आप किसी भी सरकारी दफ्तर में क्या हाल चला है। लेकिन आम आदमियों के लिए उन्होंने 15 लाख का वादा किए थे, आया 15 लाख आपको मिला? किसी को मिला 15? काले धन की बात हुई थी, आप पूरे देश में घूमते हैं, तब से मैनिफेस्टो ही जारी है, आप किसी को 15 लाख मिला? जुमला है ये जुमला, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे आप देख लीजिए क्या हुआ है। अच्छा, अभी तो कोर्ट ने भी सबके सामने जाहिर करा दिया जी, काला धन कहाँ से निकला? वो तो बोल रहे कि इलेक्टोरल बॉन्ड हमको नहीं मिला, बाकी और पार्टियों को भी मिला, तो बाकी कांग्रेस को भी मिला बोल रहे हैं। नहीं आप समझिए, वही एक नेता, वही विधायक सांसद जब किसी अन्य दल में रहता है तो भ्रष्टाचार ही रहता है। अच्छा, जैसे भाजपा ज्वाइन करता है वो क्लीन, सारी जांचें बंद, सब कुछ सही हो गया, कैसे हो रहा है? सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी इस समय कोई है तो भाजपा है। ब्लैकमेलिंग हुई थी, जिसने भी घर दिए, आवास योजना दिए बोल रहे हैं, आवास योजना इनकी दी हुई है, प्रधानमंत्री ना मनरेगा योजना हमें आदरणीय राजीव गांधी जी ने शुरू की थी जी। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कांग्रेस की दी हुई है। हमारा देश आजाद हुआ, हमारे पास कुछ नहीं था। अच्छा, उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रहेगी सर, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार का जो रास्ता है वो यूपी से गुजरता है, और यूपी इसको रोकने में या फिर मोदी जी को कम करने में क्या भूमिका निभाएगा? इस बार ये देख के साफ लग रहा है, जो चुनाव के नतीजे या एक समीक्षाएं हो रही हैं, इस बार भाजपा का ग्राफ यूपी में काफी हद तक गिरेगा, इनसे हर वर्ग परेशान है, दुखी है, वो अपने मतदान के माध्यम से इनको गिरा के दिखाएंगे। युवा है, क्या क्या मुद्दे होने चाहिए इसमें? जो भी भाजपा सरकार कर रही है वो सही युवाओं के साथ नहीं कर रही है। आप वैक्सीन के बारे में देख लीजिए, 80% है ये, 101% युवा वैक्सीन लगवाए हैं। अब ये बात, जो वैक्सीन लगाए ये बताओ कि जो भी अभी बता रहे थे कुछ दिन पहले कि हार्ट अटैक की बीमारी,
अब मान लो कि 1000 तो जो बच्चे लगवा लिए हैं वैक्सीन उनके भविष्य से खिलवाड़ से खिलवाड़ हो रहा है, हम सब युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। लेकिन एक मुद्दा बहुत ही पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, ये तो कहने की बात है। राम को नहीं ला सकते हैं का? राम भगवान है, राम को मोदी जी लाएंगे? इनकी हिम्मत है राम को लाने की? ऐसा नहीं है। पर भाजपा प्रचार ऐसा ही कर रही है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस बार जो कोई मंदिर निर्माण किए, उसकी स्थापना इतनी जल्दी किए बिना निर्माण पूरा हुए, क्या था ये चुनावी स्टंट था? वो भी सफल नहीं हुआ। आप देखिए ना, किसी की जबान में मंदिर की चर्चा है नहीं? अरे भाई, हम भी श्री राम भगवान के प्रेमी हैं, हमारे आराध्य वो भी हैं, इसका मतलब नहीं। योगी जी स्टेटमेंट दिया है कि ये जो चुनाव है ये रामद्रोही और राम को मानने वालों के बीच। हम भी तो राम भगवान को मानते हैं जी, ये कैसे आप कह सकते हैं? उस मंदिर में कर रहे हैं, राम के द्रोही थोड़े हैं। अच्छा, उस मंदिर में कितने लाखों करोड़ों लोग गए श्रद्धा लेके, क्या सब विरोधी के नाम पर वोट क्यों मांगते हैं भाई? अपने अपने काम के दम पर वोट मांगे ना। अच्छा, राम के नाम पर वोट मांगेंगे, भगवान के नाम पर वोट मांगेंगे, तब इनकी इनका कल्याण होगा। राम के नाम पे तो भीख मांगी जाती है, भिखारी बोलता है भगवान के नाम पे दे दो बाबा, तो वही कर रहे हैं। उनको काम पे मांगना चाहिए, सही अपनी मैनिफेस्टो पे सही तरीके से चुनाव लड़ेगी भाजपा तो निश्चित रूप से हारेगी, और इंडिया अलायंस भारी बहुमत से सीट जीतेगी, इस बार गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। धन्यवाद जी। भाई साहब कुछ कह रहे थे आप? हमने कहा वो अपने 10 साल के कार्यकाल पे वोट मांगे ना जी, भगवान राम के नाम पे क्यों वोट मांग रहे हैं? तो ये लोगों को कहीं ना भावनात्मक तो सब जनता समझ चुकी है। अच्छा, ये भाजपा वाले चूतिया बनाना जानते हैं। 10 साल जनता बेवकूफ बन चुकी, अब नहीं बनने वाली है। ना ना ना, पेपर लीक हो जा रहा है, जब इनको भर्ती नहीं करते पेपर यही लीक कराते हैं। अच्छा, और कोई नहीं लीक कराता है। एक पेपर भरने में कितना खर्च आता है जानते हैं आप? 250-300 आता है। कहीं आप पेपर नहीं दिलवाए इसका मतलब नहीं, हमारे महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र पूरे इंडिया की में एक फॉर्म भरने में कम से कम 1-1.5 हजार रुपए खर्च आता है, और बच्चा जो है पेपर देने जाता है ट्रेनों में धक्का खा के जाता है, वो भी जोड़ लीजिए आप 1.5 हजार रुपए, 3 हजार रुपए कम हुए। आप बताइए, 3 साल पढ़ाई करता है तो रात दिन, जिस दिन पेपर हुआ उस दिन पेपर लीक, ये कहाँ के न्याय है? उन्होंने बहुत गंदा काम किया है जी, कहना चाहिए। क्योंकि कोई भी उत्तर प्रदेश पेपर समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश का पेपर हुआ, उसके बाद आरओ का पेपर हुआ, आरओ का पेपर पहले हो चुका था तो काहे उसको, नीट का पेपर हुआ था, ये सब काहे रद्द कर दिए जी? क्यों रद्द किए इसको, इसका जवाब देना माननीय मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब। मान लो हम सबकी उम्र थी, मान लो अब आने वाले समय में जो भी मान लो परीक्षा निकलेगी, जो भी परीक्षा निकलेगी जी, मान लो हम सबकी उम्र ना रह जाए तो क्या करेंगे हम सब? अच्छा, हम सबका तो जॉब तो मान लो गया, सब कुछ गया, समय भी गया, जितनी तैयारी की वो भी गई, तो युवाओं के साथ इन्होंने क्या किया, किसी को जवाब दे माननीय मुख्यमंत्री साहब? तो ये धोखा हुआ, बिल्कुल धोखा हुआ है। क्योंकि मान लो हम सबकी हर वर्ग कोई भी हर वर्ग के साथ धोखा हुआ, हर समाज के साथ, बिल्कुल बिल्कुल। अब मानो युवा हो, किसान हो, महिला हो, कोई भी हो, सभी के साथ धोखा हुआ है। जिंदाबाद। आज हम देख पा रहे हैं कि भीड़ तो है, परिवर्तन की राह भी दिख रही है, हवा भी दिख रही है। ऐसे में 100-100 रुपए देके खरीदने वाली भीड़ नहीं है, ये अपने आप आई है ये भीड़। अभी इसी 100-100 रुपए के चक्कर में मीडिया कर्मी को रायबरेली में इतना पीटा गया है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये 100 रुपए देकर के खरीद कर भीड़ लाई हुई नहीं है, ये अपनी इच्छा से जनता आई हुई है। इच्छा इनके 10 साल के कार्यकाल में उब गई है, परेशान हो गई है। किसान को दिल्ली जाने से रोका गया, किसान कितना किसान, 700 किसान करीब करीब वहाँ की हत्या हो गई, मारे गए, उसका कौन जिम्मेदार होगा? इनकी सरकार है, इनका यही जिम्मेदार होगा, और उसका खामियाजा इनको इसी इलेक्शन में भोगना पड़ेगा, ये इससे बच नहीं सकते। महिला सम्मान की बात करते हैं, क्या महिला सम्मान है? मणिपुर में नग्न अवस्था में औरतों को घुमाया जाता है, महिला का सम्मान बता रहे हैं आप? देख रहे हैं महिला सम्मान है कहाँ? है महिला सम्मान, कौन महिला सुरक्षित है? दिन दहाड़े मर्यादा लूट ली जाती है और उनको नग्न अवस्था में घुमाया जाता है। महिला बेटी जो पहलवान बेटियां थी उनने भी आंदोलन किया, बेटी पढ़ाओ बेटी बेटी पटाओ का नारा देते हैं, बेटी पढ़ाओ। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ बदतमीजी की और उनको मंत्री पद से पहले नहीं हटाया गया, बाद में
फॉर्मेलिटी दिखा दी गई। आज भी उनके नेता बने हुए हैं, उनके बेटे को टिकट दिया गया, बेटे को टिकट दिया गया ना। आत्मा करे तो जस 300 रजिस्टरों का प्रचार करने जाते हैं मोदी जी, 300 रजिस्टरों का, 300 लड़कियों की इज्जत लूटी जाती है और उसका प्रचार करने मोदी जाते हैं। कितना अच्छा हो सकता है प्रधानमंत्री देश का, ये देश का विकास करेगा क्या? विकास करेगा देश का? इसको तो मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के। ऐसे प्रधानमंत्री की भारत देश को जरूरत नहीं है। उन्होंने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी के 2014 में आए थे कि युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कोई युवा बता दे कि मेरे को रोजगार मिला है? आपकी इनका भी लीक होने वाला है। आएंगे रोजगार का वादा किया मिलेगा, सरकार लीक होने चल रही है। पूरा की बात करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ सांसद की नहीं, ये जो ग्राम सभा में पंचायत का चुनाव होता है ना, पंचायत सदस्य का, ये आए मेरे सामने पर्चा भर दे और बैलेट से चुनाव करवा ले, अगर जीत जाए तो मैं हाथ कटवा दूंगा। जमानत जब्त हो जाएगी बीजेपी, जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत मैं मोदी की बात करता हूँ, मोदी की जमानत जब्त मेरे सामने, और बड़े बड़े नेताओं की बात मैं नहीं करता। इस बार स्मृति ईरानी की अमेठी से जमानत जब्त होगी, ये युवाओं ने ठाना। अमेठी से चुनाव हो रहा है, स्मृति ईरानी जी भाजपा की प्रत्याशी है, केएल शर्मा साहब यहाँ से कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी है, क्या लगता है क्या परिणाम हो सकते हैं यहाँ से? हाथ में पकड़ रहा हूँ, यहाँ से बिल्कुल सफाया होगा उनका, यहाँ से कम 3 लाख वोटों से वो लोग हारेंगे जी, बीजेपी यहाँ स्मृति ईरानी, क्योंकि यहाँ पर केवल उन्होंने बातें बहुत बड़ी बड़ी की हैं, काम कुछ किया नहीं उन्होंने फील्ड पे उतर करके, इस वजह कम से कम 3 लाख वोटों से हारेंगे। क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव से? मैं पकड़ रहा हूँ, बेरोजगारी का मुद्दा है यहाँ पर, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई महंगाई जो है इस देश में बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ में पेपर लीक का भी बड़ा सवाल है, क्या ये मुद्दे भाजपा पर हावी हो सकते हैं? बिल्कुल हावी हो सकते हैं। जैसे स्मृति ईरानी ने 2014 में चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आई हुई थी, जब पहली बार हारी थी उन्होंने कहा था गैस सिलेंडर 300 रुपए कर देंगे, और उसके बाद बताया था यहाँ पे पेट्रोल डीजल 35-40 रुपए बिकेगा, लेकिन वो जा करके आज वो 100 पार हो गया है, उन्होंने कहा 30 रुपए हम देंगे, आज 100 रुपए पार हो गया है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इस वजह से वो लोग बिल्कुल हार जाएंगे। उन्होंने कहा था चीनी 14 रुपए में देंगे, आपको 14 वाली चाहिए कि 40 वाली चाहिए? आज 40-50 रुपए में चीनी मिल रही है, 14 में नहीं दे रहे हैं। पहले राशन में हमें चीनी मिलती थी, आज चीनी नहीं मिल रही है, आज 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं जो, और कभी 1-1.5 रुपए से राशन महंगा नहीं था, यानी 5 किलो लोगों को राशन दे रहे हैं, 10 रुपए का राशन फ्री दे रहे हैं वो लोग, 10 रुपए का, अब उसे फ्री कर दिया गया है। मोदी से पूछो कि 150 ग्राम रोज किस वजह से 150 ग्राम में पूरा हो जाता है, इस वजह से वो लोग केवल झूठ बोलने का कार्य करते हैं, इस वजह से वो लोग हारेंगे हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। 400 पार नहीं होगा, 400 पार नहीं, 400 हार। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ बेरोजगारी का, कांग्रेस सरकार सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार मिल नहीं रहा, इन्होंने रोजगार के नाम पे आया कि हम लोगों को रोजगार देंगे, 4 लाख भर्ती देंगे, कुछ भी नहीं किया। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है बेरोजगारी, ये सारी चीज राहुल गांधी ने घोषणा किया है, उसको करेंगे राहुल गांधी पूरा, राहुल गांधी जिंदाबाद। क्योंकि अखिलेश यादव राहुल गांधी जो भी प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करते हैं, वो पूरा करेंगे, इनकी जो गारंटी होती है केवल गारंटी ही होती है। यह मोदी के राज माल पीन लगान बटन का पैसा नहीं ना, फांसी फंदे पे लटक रहे हैं 23 साल के लड़के, फांसी फंदे पे लटक रहे हैं, ये देखा, देखो देखो भाई, आपके क्या कारण क्या हो सकता है? बेरोजगारी, पूरी तरह से बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी के बाद महंगाई फैला रखे हैं, ये तो नहीं है आंधी है आपकी, राहुल गांधी है। तो युवाओं से बातचीत कर रहे थे, युवाओं ने कहा कि यहाँ पर बेरोजगारी के साथ में महंगाई बड़ा मुद्दा है, और महंगाई के वजह से युवा आत्महत्या कर रहे हैं, क्या इसका परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ेगा? आपको महंगाई नहीं दिख रही है? 5 किलो राशन से पेट भरेगा जनता का? महंगाई इतना है
गरीब क्या खा के जीता है जानते हो? अरहर की दाल 170 रुपए किलो है जी। गरीब आदमी मटर की दाल, उड़द की दाल खा के जीता है। 2014 में 30 रुपए किलो मटर की दाल बिका करती थी, 40 रुपए किलो उड़द की दाल बिकती थी। आज जानते हो वही 30 रुपए किलो दाल 90 रुपए किलो बिक रही है, 90 रुपए किलो, 150 रुपए किलो उड़द की दाल बिक रही है। आलू 25 रुपए किलो, अभी से सीजन आलू का चल रहा है, 25 रुपए किलो बिक रहा है। देश का विकास नहीं कर, देश को बेचने हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। ये दिल्ली है, तेल बेचे बहुत है। मोदी जी एक काम खाली सीखे है, बेचना, बनाना नहीं सीखे। क्या क्या बेचे? देश बेचे, रेल बेचे, स्कूल बेचे, अस्पताल बेचे, हवाई जहाज बेचे, सब कुछ बेच लिया आपका। हमका बच, हम लोग बचे। रैवली की देन है, सब कांग्रेस की देन है आज जो। हाँ, वो जितना बनाया है मोदी जी ने उतना बेचा। अमेठी में विकास नहीं हुआ है। हम अमेठी में घूम रहे हैं, जनता की बातचीत हमारे जारी है। सर, क्या मुद्दे होने चाहिए? जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने मैनिफेस्टो जारी किया है, रोजगार की गारंटी दे रहा है, महिलाओं को भी सम्मान निधि देने की गारंटी कर रहा है, क्या ये मुद्दे भाजपा को भारी पड़ सकते हैं? मुद्दे ही मुद्दे हैं। हाँ। यही मुद्दे में तो भाजपा आई थी। हाँ। एक भी मुद्दा भाजपा ने पूरा नहीं किया जी। इसी मुद्दे में भाजपा बहुत बुरी तरह जाने वाली है जी। एकदम नाश होने वाली है। और कांग्रेस इसकी शुरुआत यही रायबरेली अमेठी से होने वाली है। अगल बगल सब पास, एनडीए साफ, 400 पार नहीं होगा, 400 पार नहीं होगा, 400 हार। गांव में आते कुर्सी वाले भैया 400 400 400, आखिर में कितने देते? अच्छा 150 दे दियो, 200 के नीचे है। और जो जो ये पब्लिक दिखा रही है, चुनाव आपकी जनता लड़ रही है, ये जनता 400 नहीं, हमको तो लग रहा है कि 100 के नीचे लाएगी। अमेठी में स्मृति ईरानी खड़ी है। स्मृति ईरानी जी का क्या चुनावी परिणाम क्या हो सकता है? जनता खुश नहीं, बौखला चुकी है, वो अपने हार को देख चुकी है, बौखलाहट में कार्यकर्ताओं को धमका रही है और प्रधानों को, कोटेदारों को दबाव बनाकर जबरदस्ती उनको दबाव बनाया जा रहा है। बौखलाहट उनकी दिखाई चुकी, तब चुनाव वो हार चुकी। अमेठी से हमने जनता से बातचीत की, जनता के जो मुद्दे है वो आज बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, शिक्षा है, चिकित्सा है, इन मुद्दों पर जनता मुखर होकर बात कर रही है। और देश में जिस तरीके से माहौल बन रहा है, इस माहौल के खिलाफ आज जनता अपनी बातचीत कर रही है। जनता आज इन सब मुद्दों को लेकर के 2024 का जो चुनाव है उसके ऊपर वोट करने वाली है। अब जो भविष्य के जो परिणाम है वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आने वाले परिणाम क्या हो सकते हैं ये 4 जून को ही पता चलेगा। अमेठी से धम्मपाल माटे के साथ में मैं हितेश गजबे, आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी। धन्यवाद।